ಸಂಸತ್ತಿನ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನದ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿಂದು ಉಭಯ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಲೋಕಸಭೆಯ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಮಸೂದೆ 2020 ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಕೋರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅವಲಂಬಿತ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈ ಮಸೂದೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿನಾಶದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಿಷೇಧ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಉಭಯ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರ ನಡುವೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈಗ ಲೋಕಸಭೆಯಿಂದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ. उचित मिले और सही गुणवत्ता में मिले उनकी है, लेकिन आज का दिन में वो 2020 मार्च तक उस स्कीम भारत सरकार ने आरटीएस फंड के ऊपर चलाती थी, लेकिन आज का दिन में वो वायबल हो गया है. केवल उनका इन्वेस्टमेंट दो साल के अंदर उनको रिटर्न मिल चुकी है. इसी के लिए ऐसा कोई आज के दिन में भारत सरकार स्कूलों के ऊपर या कमर्शियल के ऊपर नहीं लगाने का कोई स्कीम आज तक चल नहीं रही. धन्यवाद. आपका ये जवाब सही है, लेकिन वो रिटर्न जवाब नहीं आपने मुझे दिया है. मेरा सवाल इसके साथ आगे एक सजेशन है. जैसे हमने ये भी सोचा है COP 21 से लेकर COP 26 तक कहां पे पंचामृत के रूप से नॉन फॉसिल फ्यूल के रूप से काम किया है. रेलवे भी बाय 2030 हम जीरो एमिशन करना चाहते हैं. ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं. नागपुर में भी जब हमारे मंत्री थे बावन कुड़े जी, उन्होंने 300 स्कूलों को कैसे हम सिर्फ सोलर पैनल से काम, क्योंकि सर हम लोग हर वक्त इंटीग्रेटेड डिजिटल क्लासरूम के बारे में बात करते हैं और आधे से ज्यादा समय ये क्लासरूम बिजली के बिल हम नहीं चुका सकते हैं, इसलिए क्लासरूम चलते नहीं है. आज आने वाले समय में इंटरनेट इंटीग्रेटेड डिजिटल क्लासरूम के लिए हमें बहुत जरूरत है. हर एक प्रदेश या कोई डिस्ट्रिक्ट कमेटी काम करे बिना एक मैं सुझाव देना चाहती हूँ. एक हमारी सरकार हर किसी एजुकेशन मिनिस्ट्री और रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री से बात करके स्कूलों के लिए जैसे अच्छी शिक्षा, अच्छे टॉयलेट, अच्छे रूप से इंटीग्रेट.